हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बिहारी स्टाइल चंपारण मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चंपारण जो है बिहार में एक जगह का नाम है जहाँ का मटन बहुत फेमस है, इसी वजह से इस मटन को हम लोग चंपारण मटन बोलते हैं। और दूसरा है, इसको जो इसके कुकिंग करने के प्रोसीजर है तो ये काफ़ी स्लो फ्लेम पे कुक होता है और इसका जो बनाने का तरीका है काफ़ी अलग है बाकी रेसिपी से, इसीलिए ये अपने आप में बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो जो लोग भी बिहार से है, यूपी से है, उनको पता होगा कि चंपारण मसर जो मटन है वो काफ़ी यूनिक रेसिपी है। तो मटन मैंने 1 kg ले लिया है, इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब अच्छे से वॉश हो जाएगा तो इसमें 3 tablespoons मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ऐड कर दिया है, 2 खड़े लाल मिर्च, 2 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा ऐड किया है। अब इसमें मैं 2 तेज पत्ता ऐड करूँगी और 3-4 दालचीनी, थोड़ा सा लौंग और इलायची, सारा कुछ मैं जो खड़ा मसाला है इसमें ही ऐड कर दूंगी। अब मैंने जो है अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, जीरा और इलायची और लौंग का पेस्ट बना लिया था। आप सबको एक साथ जार में मिक्स कर लो और पानी देके इसका अच्छे से पेस्ट बना लो। तो इस पेस्ट को हम इसमें यूज़ करेंगे। साथ में ही मैंने यूज़ किया है स्वाद अनुसार नमक, तो ये नमक आप ध्यान से देना, आगे भी ऐड कर सकते हो ज़रूरत पड़ा तो। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर हमने जो मसाला तैयार किया था वो मसाला मैं इसमें डालूंगी 3 tablespoons, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड किया है 2 tablespoons, और फिर हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ मैंने 1 kg मटन के लिए 1/2 kg प्याज को अच्छे से फाइन करके कट कर लिया था, और वो जो प्याज है वो भी मैं इसी में मिक्स करूँगी। तो जो मेन इसका प्रोसीजर है वो है मैरिनेशन का, मैरिनेट करना इसको बहुत ज़रूरी है। जो मसाला मैंने आपको बताया था वो एग्जैक्ट मैंने वही पेस्ट बनाया है और इसमें 3 tablespoons ऐड किया है। फिर जो प्याज है वो भी इसमें ऐड करेंगे, तो मैंने पहले 1/2 प्याज ऐड किया और फिर अच्छे से मैरिनेट करने के बाद ऊपर से सारा प्याज इसमें डाल दिया है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से हाथों से ही मैरिनेट करना है ताकि जो मटन है, तेल और मसाले जितना भी कुछ हमने डाला है सब कुछ अच्छे से इसमें मैरिनेट हो जाए। और फिर जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो हम इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं मटन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो इसे बात का ध्यान रखना, मसाले की क्वांटिटी आप सही से यूज़ करना और इसका मैरिनेट अच्छे से करना है। और इसे हमें बिल्कुल 15 से 20 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब क्या करना है, कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था मैंने और उसमें डाला है 4 tablespoons मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल को हम अच्छे से कर लेंगे हीट, क्योंकि हमने मटन में भी अच्छे से मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया था तो उस अकॉर्डिंग हमें इसमें भी अच्छे से यूज़ करना है ऑयल का। तो फिर अब ऑयल जब अच्छे से हीट हो जाए, बात ध्यान से आपको सुननी है और इसे फॉलो करनी है कि अच्छे से ये हीट होना चाहिए। जब हीट हो जाएगा तो अब हमें इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है, जो हमने मैरिनेट किया हुआ मटन रखा था उसमें उसे इसमें हम मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे और अब इसे हम चला देंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे बिल्कुल लो, धीमी करनी है फ्लेम को, और मैंने जो मसाले बचे थे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था। फ्लेम को रखा था बिल्कुल लो और अब इसे हम कवर करके एटलीस्ट 1 से 1.5 hours तक कुक करेंगे। तो ये जो है मटन ये बिल्कुल लो फ्लेम पे बनता है और इसको जो है हम बिल्कुल धीमे आंच में कुक करते हैं, तभी जो है ये जो है इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और ये जो है आराम से कुक होते जाएगा। आपको जितनी प्याज दिख रही है वो आपको कुक होने के बाद बिल्कुल नहीं दिखेगी, सब कुछ आपस में इतने अच्छे से मिल जाता है, गल जाता है। तो अब मैंने कवर हटाया
एक घंटे के बाद तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा था और ये अपने आप पानी छोड़ दिया था। इसकी कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गई थी। मैंने बस ऊपर से मटन मसाला, आप कोई भी ब्रांड का मटन करी मसाला यूज़ कर सकते हो, 3 चम्मच के अनुसार मैंने इसमें यूज़ किया। फ्रेश हरी धनिया पत्ती को यूज़ किया। आप चाहे तो उसमें पानी हल्का सा यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी राइस के साथ खाने के लायक बन जाए। और ये मेरा मटन बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने गर्मा गर्म राइस के साथ और सैलड के साथ सर्व किया था। इतनी टेस्टी बनी थी। यू कैन ट्राई गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।